ఇష్టం టీచర్లంటే మాకు ఇష్టం పాఠాలంటే మాకు ఇష్టం టీచర్ కన్నా పాఠం కన్నా బడికి వెళ్ళడం మాకు ఇష్టం. बच्चों को कई आकर्षक खेल सिखाए और खिलाए जाते हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, जमीन पर चौक से वृत्त बनाकर उनमें अक्षर और अलग अलग वस्तुओं के चित्र बनाए गए हैं। कागज के टुकड़ों पर भी वही चित्र और अक्षर बनाए गए हैं। बच्चों को वृत्त में बनाए गए चित्र और अक्षरों को पहचान कर इन कागज पर बने हुए चित्र से मिलान करके सही चित्रों पर रखने को कहा गया है। देखिए बच्चे कितने आसानी से हंसते खेलते कितना कुछ सीख गए हैं। इस दूसरे खेल में बच्चे तरह तरह के तरकारियों के चित्र के लेबल पहने हुए हैं। अब एक एक बच्चा आगे आकर अपने लेबल के तरकारी का नाम, गुण और स्वाद के बारे में अभिनय करते हुए बताता है। है ना मजेदार खेल? बच्चों का खेलना भी हो गया और तरकारियों के बारे में उन्हें बहुत कुछ ज्ञान भी हो गया। इस तरह खेल ही खेल में बच्चों को बहुत सारी चीजों की जानकारी हो जाती है। बच्चों को तरह तरह के राइम्स सिखाए जाते हैं, कई प्रकार के खेल भी खिलाए जाते हैं, जैसे कूदना, फांदना, गेंद से खेलना, झूलना इत्यादि। बच्चों को टीम वाले खेल और अकेले खेलने वाले खेल दोनों तरह के खेल सिखाए जाते हैं। इसके अलावा उन्हें अपने आप खेलने दिया जाता है ताकि वे अपने मर्जी का खेल खेलें। Whether it is running, jumping, हम जो पाठ बच्चों को सिखा रहे हैं, चाहे वह पढ़ना लिखना हो, कूदना दौड़ना हो या फिर दस्तकारी और चित्रकारी, वह बच्चे के लिए एक चुनौती होना चाहिए, न कि भयभीत होने का कारण। काम भी ऐसा होना चाहिए जिसे बच्चे आसानी से समझ सकते हैं और उसे श्रेष्ठता से पूरा कर सकते हैं। बच्चों में आपस में स्नेहपूर्वक प्रतियोगिता होना चाहिए, लेकिन वास्तव में हमें जिसे प्रोत्साहित करना है वह है बच्चे का अपने आप से प्रतियोगिता, ताकि वह अपने आप को प्रतियोगी मानकर पिछली बार से अगली बार और ज्यादा उन्नति कर सके। कुछ ऐसी गतिविधियाँ भी होती हैं जो बच्चा अपने आप करता है, जैसे यह बच्चा माचिस के डिब्बों के साथ मीनार खड़ा कर रहा है। इससे एकाग्रता, हाथों का हुनर वगैरह बढ़ता है। बच्चे यहाँ समूह में मिलकर काम करना भी सीखते हैं। यहाँ बच्चे आपस में मिलकर रेत और छोटे छोटे कंकड़ों से अक्षर और अंकों के रेखाओं पर क्रम से सजाना, विभिन्न प्रकार के दाल के दाने चिमटे की मदद से अलग करना, चित्र बनाना और रंग भरना जैसे कलात्मक गतिविधियां आदि सीख रहे हैं। बच्चों को अभिनय, नाटक आदि में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। देखिए यह शादी का नाटक। इसमें गौर करने की बात यह है कि बच्चे कितने अच्छे तरीके से देखे हुए घटनाओं का अनुकरण कर लेते हैं। उनकी याददाश्त कितनी सजग है कि शादी के तौर तरीके एक के बाद एक बिना किसी संशय के एक क्रम में अनुकरण कर रहे हैं। सुबह 8:30 बजे शुरू होने वाले बालवाड़ी के कार्यक्रम 11:30 बजे से 2 बजे तक के विराम के बाद फिर 2 से 4 बजे तक जारी रहते हैं। सीखने और खेलने के अलावा पोषण बालवाड़ी के दिनचर्या का एक अभिन्न अंग है।
बढ़ते हुए उम्र के बच्चों के लिए सही पोषण की आवश्यकता को समझते हुए जीएमआर वरलक्ष्मी फाउंडेशन बच्चों को दिए जाने वाले आहार के गुणवत्ता के बारे में काफी सावधानियां लेती है। इतना ही नहीं, फाउंडेशन पोषक तत्व और बच्चे के वजन के हिसाब से एक दिन की मात्रा का निर्धारण करके हाजिरी के अनुसार 15 दिन तक पर्याप्त रसद बालवाड़ी को उपलब्ध कराती है। गतिविधियों से भरा शिक्षण और पूरक पोषण आहार संयुक्त रूप से बच्चों पर गहरा असर करता है। यह असर बच्चों में सोचने की क्षमता और सीखने की कुशलता को उकसाने में सहायक होता है। जीएमआर वरलक्ष्मी फाउंडेशन बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देता है। बालवाड़ियों में सालाना दो बार डॉक्टर द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किए जाते हैं। हाल ही में इन परीक्षणों के दौरान 3 बच्चों में हृदय की बीमारी का पता लगा, जिनका शासन के आरोग्य श्री योजना के तहत इलाज भी कराया गया। डॉक्टर द्वारा परीक्षण करने के पहले टीचर बच्चों का वजन, ऊंचाई, छाती के माप वगैरह का विवरण तैयार करती है। डॉक्टर हर एक बच्चे का बारीकी से जांच करते हैं और माता पिता को बच्चे के स्वास्थ्य की स्थिति और उसे बेहतर बनाने के उपाय विस्तार से बताते हैं। आवश्यक दवाइयां देते हैं और उनका उपयोग करने की विधि भी समझाते हैं। जीएमआर वरलक्ष्मी फाउंडेशन देश के कोने कोने में बालवाड़ी चलाता है। देखे इनमें विचारों का आदान प्रदान कैसे होता है। देश भर में जहाँ जहाँ भी हमारी परियोजनाएं हैं, फाउंडेशन ने वहाँ पर बालवाड़ियों को स्थापित किया है। हमने यह व्यवस्था रखा है कि ये बालवाड़ियाँ आपस में अपने विचार एक दूसरे से बांटें और मिलजुल कर एक जैसे मापदंडों का निर्माण करें। प्री स्कूल स्तर पर छोटे बच्चों को सिखाने के नए नए गुर एक दूसरे से सीखें। इस तरह सभी बालवाड़ियाँ मिलजुल कर काम करने पर हमारी दृष्टि केंद्रित करने के पीछे एक कारण ये भी है कि बच्चों को सिखाने के नए नए तरीके खोजना हमेशा जारी रहे। हम ये चाहते हैं कि टीचर निरंतर प्रगतिशील रहें और बच्चों को शिक्षण देने के नए नए तरीके अपनाएं। हमने बालवाड़ी के विविध कार्यक्रमों के कार्याचरण की एक विस्तृत सूचिका तैयार किया है, जिसके द्वारा टीचरों को सलाह और सूचनाएं दी जाती है। इस सूचिका में किस प्रकार के खेल बच्चों को सिखाया जाए, किस प्रकार का आहार पूरक पोषण के रूप में दिया जाए, किस तरह स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाए, किस तरह टीचर बच्चों से और बच्चों के माँ बाप से व्यवहार करें, आदि विषयों का पूरा विवरण है। हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि इसमें टीचर की सृजनात्मकता में कमी आए, बल्कि हम ये चाहते हैं कि इस सूचिका से उन्हें मदद मिले। वे ये जान सकें कि अन्य बालवाड़ियाँ कैसे कार्य कर रहे हैं, उनमें क्या खूबियाँ हैं, ताकि उन खूबियों को वे स्वयं भी अपनाएं। यही कारण है कि हम वर्ष के आरंभ में अपने सभी बालवाड़ियों के टीचर और सुपरवाइजरों को इस सूचिका के मुताबिक प्रशिक्षण देते हैं, ताकि जो खूबियां हैं उन्हें बनाए रखते हुए नए तरीकों का विकास करें।
द मॉनिटरिंग सिस्टम। बाल वाड़ियों के कार्य करने का एक महत्वपूर्ण पक्ष है उनका क्रमबद्ध जांच करने की पद्धति। यह पद्धति काफी उपयुक्त और प्रभावी है। प्रशिक्षित सुपरवाइजर इस पद्धति के आधार स्तंभ हैं, जो बालवाड़ी का नियमानुसार जांच करते रहते हैं। इसके अलावा समय समय पर की जाने वाली रिव्यू प्रोसेस भी है, जो बालवाड़ी के टीचरों को अपने ज्ञान और कुशलताएं बढ़ाने में सहायक होती है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी TLM टीचर स्वयं बनाते हैं। यह प्रक्रिया टीचर के अंदर छुपे हुए हुनर को बाहर ले आता है। यही नहीं, यह टीचर को समूचे कार्याचरण पद्धति में शामिल करता है, क्योंकि टीचर या इंस्ट्रक्टर सिर्फ काम करने का साधन नहीं जो मात्र किताबों से पढ़कर सुनाए, बल्कि यह सारी शिक्षण सामग्री उसके अपने सोच से बनाई गई है। बालवाड़ियों ठीक तरह से काम करने के लिए एक निश्चित क्रम में उनके गतिविधियों का जांच करते रहना बहुत ही जरूरी है। प्रति सप्ताह फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर या सुपरवाइजर बच्चों, टीचरों, हेल्पर और बालवाड़ी का मुआयना करते हैं। वे बच्चों के उपस्थिति के विवरण और उन्हें दिए जाने वाले पूरक पोषण आहार रजिस्टर की भी जांच करते हैं। शिक्षण सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में है या नहीं, इस बात का भी ध्यान रखते हैं। बच्चों की साफ सफाई, आचरण और अनुशासन के आधार पर बालवाड़ी की ग्रेडिंग दी जाती है। इसके अलावा टीचरों की रिव्यू मीटिंग भी होते रहते हैं, जिनका निर्वाह सुपरवाइजर या कोऑर्डिनेटर करते हैं। बालवाड़ी में हो रहे कार्यक्रमों का यदि कोई समस्या हो तो उसके बारे में और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के बारे में चर्चा की जाती है। टीचरों के द्वारा बनाए गए नए TLM प्रदर्शित करके उनके बनाने और काम में लाने के बारे में टीचरों को समझाया जाता है। हर महीने शिक्षक और माता पिता संघ की एक सभा आयोजित की जाती है, जिसमें बच्चों के विकास और बालवाड़ी के बारे में चर्चा किया जाता है। कभी कभी बालवाड़ी में मेहमान भी आते रहते हैं, यहाँ की गतिविधियाँ देखकर उनकी प्रशंसा करते हैं और कभी कभी कुछ सुझाव भी देते रहते हैं। बच्चों का उत्साह बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष पिकनिक और एनुअल डे फंक्शन आदि आयोजित किए जाते हैं। बालवाड़ी में भर्ती होने के बाद से मेरी बेटी अच्छे से पढ़ने लगी है। वह बहुत कुछ सीख गई है, उसे ABCD वगैरह पढ़ना भी आ गया है। घर पर भी वह अच्छे से रहती है। स्कूल में आज से बच्चे अच्छा पढ़ रहे, तौर तरीके इंग्लिश में बात करना, खेल कूद और सताते थे, सताना भी बंद हो गया, बच्चे कंट्रोल हो गया, बच्चों का खाना पीना टाइम से, पढ़ना लिखना और सब अच्छा हो गया। बच्चे कोई भी घर में आया बोले सब फिर घर में आके रिपीट करके बोल रहे, हमारे को इंग्लिश में बात करे, पानी बोलते थे, वाटर बोल रहे, टॉयलेट को जा रहे बोल रहे, सब अच्छा तरीका आ गया बच्चों के। यहाँ आए जब से बच्चे भी अच्छे साफ सफाई से भी रह रहे, बच्चे घर में अच्छा आके बात कर रहे इंग्लिश में, मग बहुत अच्छा दिखा। पहले बहुत तकलीफ होती थी, बच्चे हमारे गरीब हैं पढ़ रहे नहीं सही बोल के बहुत तकलीफ होती थी, यहाँ को आए जब से बच्चे अच्छा पढ़ रहे इसलिए हमको बहुत खुशी हो रही। हमारा बेटा जब से इस बालवाड़ी स्कूल में जाने लगा है तब से पढ़ने लिखने लगा है, उसकी अकल भी बड़ी है, उसे छोटे और बड़े दोनों ABCD पढ़ना और लिखना आने लगा है, रैम्स और पोएम्स भी आते हैं। पहले वह ऐसा नहीं था, स्कूल नहीं जाना चाहता था, अब तो प्रतिदिन हंसी खुशी से चला जाता है।
क्योंकि इसे वहाँ अपनी मर्जी से खेलने के लिए सभी सुविधाएं हैं। साथ में पढ़ भी लेता है, टीचरों से डर भी नहीं लगता, बहुत होशियार हो गया है। पूछने पर वह अपना, मेरा और अपने पिता का नाम इंग्लिश में बताने लगा है। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इस बालवाड़ी से हमें काफी लाभ पहुंचा है। GMR ग्रुप इज ट्राइंग टू, जहाँ जहाँ भी GMR ग्रुप के काम चल रहे हैं, वहाँ के समाज और लोगों के जीवन में भारी परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है। GMR और लक्ष्मी फाउंडेशन इस दिशा में कार्यरत है। फाउंडेशन का मानना है कि एक व्यक्ति को पढ़ाना 100 लोगों को भोजन उपलब्ध कराने से कहीं ज्यादा अच्छा है। इसी क्रम में फाउंडेशन बालवाड़ियों के जरिए पिछड़े हुए इलाके, जहां कोई सुविधाएं नहीं हैं, वहां के बच्चों के लिए काम कर रही है। बालवाड़ी की दृष्टि हमेशा बच्चों के विकास और कल्याण पर केंद्रित रहता है। बालवाड़ी में टॉलस्टॉय फार्म और शांति निकेतन जैसे तरीके अपनाए जाते हैं। बालवाड़ी में ना तो कभी किसी बच्चे को डांटा जाता है और ना ही सजा दी जाती है। कभी किसी बच्चे का दूसरे बच्चे से तुलना नहीं किया जाता। बच्चों का आपस में कोई स्पर्धा नहीं रखा जाता है। बच्चा अपने आप से श्रेष्ठ बनने में होड़ लगाता है। इस तरह का वातावरण बच्चों को देने में बालवाड़ी बहुत ध्यान देता है। खेल कूद, गाना और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। बालवाड़ी में बिताए गए 2 साल बच्चे के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं। 5 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते बच्चा तेलुगु अक्षरमाला के 52 अक्षर और इंग्लिश के 26 अक्षर पढ़ने और लिखने लग जाता है। इसके साथ तेलुगु मातृभाषा में 2 और 3 अक्षरों के शब्द पढ़ लिख सकता है, 200 तक अंक गिन सकता है, कम से कम 6 तक पहाड़ा याद कर लेता है। कई प्रकार के साधारणतः पाए जाने वाले जानवर, पक्षी, तरकारियाँ, फल फूल आदि की पहचान कर सकता है। तकरीबन 8 रैम्स अभिनय के साथ सुना सकता है। वो बच्चे जिन्हें गरीबी और दूर दराज इलाकों में रहने के कारण पढ़ने के कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए बालवाड़ी एक अद्भुत संसार है। बहुधा कई लोग ड्रॉपआउट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉपआउट मेरे विचार से एक बहुत ही खराब शब्द है। यह शब्द शिक्षा विभाग और कुछ शिक्षकों के द्वारा बच्चे के स्कूल ना जाने की जिम्मेदारी उसके माँ बाप या समाज पर थोपने के लिए प्रचलित किया गया है। यदि स्कूल बहुत ही दिलचस्प है, जहाँ बच्चे खुशी से जाना पसंद करते हैं, वहाँ के पढ़ाने के तरीके और वातावरण ऐसे हैं जो बच्चों को भाते हैं, तब बच्चे स्कूल जाना कभी नहीं छोड़ेंगे। यानी ड्रॉपआउट बच्चे स्कूल नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि स्कूल का वातावरण खुद बच्चे को बाहर ढकेल रहा है। इसके लिए ऐसा ही शब्द होगा पुश आउट। इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि बच्चा स्कूल से जुड़ा रहे, स्कूल का माहौल सुखद और सुहाना बनाए, जहाँ बच्चा खुशी से उछलते कूदते नाचते गाते आए। बच्चों पर किताबों, होमवर्क, वर्दी, टाई और बूट इत्यादि का बोझ नहीं लादना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में प्री स्कूल के नाम पर बच्चों के ऊपर इन सब चीजों को लादकर उन्हें एक बाल कार्मिक जैसा बना रहे हैं। हम मानते हैं कि बच्चे को स्वाभाविक और खुशी से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि बच्चे का आत्मविश्वास बढ़े। One of the key things in the बालवाड़ियों में एक प्रमुख विषय ये है कि बच्चों के साथ
टीचर कैसे बर्ताव करते हैं। हमारा मानना है यदि इस उम्र में बच्चा आदर का अनुभव करता है, उसे पर्याप्त आजादी मिलती है, प्रेम मिलता है, तो इन्हीं सब चीजों का वह भी आदर करेगा और उसके जीवन में और दूसरों के साथ उसके व्यवहार में भी ये चीजें प्रतिबिंबित होंगे। निश्चित रूप से हम इस बात पर जोर देते हैं और कोशिश करते हैं कि बालवाड़ी में इस तरह का माहौल बने और बच्चों को ये सब चीजें वहाँ मिलें।